गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। छात्र के लोगों को, नौजवानों को सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो इन लोगों ने किया, योजना दिया, क्या योजना बनाया, क्या नहीं योजना बनाया इन लोगों ने, छात्र के साथ अत्याचार करने का काम किया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे तो 4 लाख रुपया मिलेगा आप लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए। आप पैसा की बात कर रहे हैं कि पैसा आप दीजिएगा तमाम लोगों को, तमाम ऐसे छात्र हैं आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इन्होंने भी लेने का काम किया। हम भी अप्लाई किए हैं भैया। कहिए कैसे छात्र हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अप्लाई किया, जिनकी समस्या है। जब इस तरीके का समस्या पूरे तरीके से, जब पूरे बिहार में जो योजना इन लोगों ने बनाने का काम किया, सब योजना में इन लोगों ने धांधली करने का काम किया। अभी अनिल जी बोल रहे थे यहाँ पे इन लोगों ने भी आंदोलन करने का काम किया गया, जो सरकार के द्वारा जो विज्ञापन जो जारी किया गया उसमें जिन लोगों को परमानेंट करना चाहिए था और जिन लोगों का हो चुका था उन लोगों को छाटने का इन लोगों ने काम किया, और जिन लोगों को नहीं होना चाहिए था उन लोगों से घूस ले करके ये सरकार जो है घोटाला करने का काम किया। और इन लोगों का जो भविष्य है पूरे तरीके से अंधकार में डालने का काम किया गया है। और कई एक ऐसी समस्या को रात दिन छात्र नौजवान झेलने का काम करता है, छात्र नौजवान के पास पैसा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कॉलेज स्तर से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर से जितने भी वहां पे जो शिक्षक हैं उनको परमानेंट नहीं किया गया, और जो शुरू से ही जो बहाल हुए थे शिक्षक वो पढ़ा रहे हैं, उनको वेतन तक नहीं मिलता है। तो ये अत्याचार पूरे तरीके से पहले तो शुरुआत हो गया, क्योंकि जब ज्ञान का भंडारे नहीं रहेगा, ज्ञान का भंडार को ही खत्म कर दिया जाएगा, तब सोचिए कि हमारा जो बिहार है, जो मिट्टी है, बिहार की जो धरती है, किस तरीके से इन लोगों ने जंजीरों में बांध करके रखने का काम किया। इस जंजीर से आजादी दिलाने के लिए अनिल जी जैसे छात्र का, बबलू जी जैसे छात्रों का, और भी तमाम पटना यूनिवर्सिटी से आए हुए सौरभ जैसे छात्रों का, तमाम लोग जैसे छात्रों का महत्वपूर्ण भूमिका होना। तो इन लोगों के अधिकारों को लगातार सरकार के द्वारा खत्म करने का काम किया गया है। तो इसी को लेकर के कई एक छात्र नौजवान हमसे मिलने का काम किया। अभी पिछला बार रानी घाट भी हम गए हुए थे, पहले भी हम जाते थे यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तब भी जाते थे, लगातार लोगों से मिलना जुलना, छात्र के लोगों से रूबरू होते रहते थे। छात्रों के लिए भी हम लड़ाई आवाज उठाने का काम करते हैं, जब जब छात्रों पर अत्याचार भी होता है। छात्र का शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी से जयप्रकाश नारायण मूवमेंट जब हुआ, इमरजेंसी लागू हुआ उस समय में, तो आदरणीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी उसका छात्र का नेतृत्व कर रहे थे, उसका अगुवाई कर रहे थे, छात्र के नौजवानों को लेकर के चलने का काम कर रहे थे। और जयप्रकाश जी की जो विचारधारा है, जो लोहिया जी की जो विचारधारा है, जो भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा है, कर्पूरी ठाकुर जी की जो विचारधारा है, इसको जन जन तक पहुंचाने का लोगों ने वो
उस समय में जो नेताओं ने जो गोली खाने का और अपने पीठ पे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब लाठी चल रहा था, सब जगह आंदोलन जब हो रहा था, तो उस समय में अपने पीठ पे जेपी जी को बचाते हुए उन्होंने लाठी भी खाने का काम किया। तो इनके मेहनत को जो है हम लोग छात्र नौजवान जो है हम लोग जो मिशन जिसको हम लोगों ने लेकर के चलने का काम किए हैं, हमने जैसा कि आपको बताया कि सब जगह अपना अपना जिन लोगों की अपना अपना संगठन है तो सब लोगों का एक एक अलग अलग पार्ट होता है। जैसे कि भाजपा वाले जो हैं आरएसएस को लेकर के चलने का काम किए, उसी तर्ज पर हमने डीएसएस भी बनाने का काम किया और डीएसएस चल भी रहा है हमारा धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। उसी तरीके से शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड हमने एक संगठन का आज ऐलान, उसका नाम मैं बताने जा रहा हूं आपको, उसका शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। इसका छात्र का जो है छात्र जनशक्ति परिषद, छात्र की जनशक्ति, छात्र जनशक्ति परिषद हमने बनाने का काम किया है और पूरे बिहार में नहीं पूरे देश भर में मिलकर के, अभी यूपी में भी चुनाव होने वाला है तो हमारे छात्र जनशक्ति परिषद के जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी मेंबर होंगे, जो इस विचार को फैलाने का काम करेंगे, कई एक तरीके से कई एक जगह अलग अलग पार्ट होता है। जैसे डीएसएस बना राष्ट्रीय जनता दल के लिए, उसी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, उसी तरीके से हमने छात्र जनशक्ति को बनाने का काम किया, ये सब उसमें आ जाएगा पार्ट में, तो एक हो जाएगा हम लोग का पूरा। तो इसी तर्ज पे क्योंकि हमें लड़ाई लंबा लड़ना है और इस बार का जो चुनाव हुआ था हम लोगों ने जीतने का काम किया था, सिंगल और लार्जेस्ट पार्टी रहा है राष्ट्रीय जनता दल, तो इसको राष्ट्रीय जनता दल को बैकबोन से सपोर्ट करने के लिए हमने इस संगठन का निर्माण किया है और इसके तहत छात्र से रिलेटेड जितनी समस्या होगी केवल बिहार में ही नहीं पूरे देश में जहां जहां होगा वहां वहां हमारी कमेटी के लोग जाएंगे और वहां मैं भी जाने का काम करूंगा और वहां के नौजवानों को, और जिस तरीके से अत्याचार जो छात्रों पर करने का काम करेगा यह संगठन चुप बैठने वालों में से नहीं रहेगा, खुल करके सामना करने का काम करेगा। पूरे तरीके से जो हमारा छात्र का जो मुद्दा है क्योंकि छात्र को अदर पार्टी वाले क्या करते हैं इस्तेमाल करना जानते हैं, छात्र को इस्तेमाल कर लिया जाएगा, आंदोलन में बुला लिया जाएगा और अपने पीछे कदम हटा लेंगे लोग और मरने लड़ने के लिए छात्रों को छोड़ देगा, गोली खाने के लिए छात्रों को छोड़ देगा। वो जो आंदोलन हुआ था जो हमने राजभवन घेराव का जो आंदोलन अभी जो राष्ट्रीय जनता दल ने जो करने का काम किया उसमें छात्र का कितना अहम योगदान था, हमने देखने का काम किया वहां सामने अपने आंख से किस तरीके से हमारे छात्र के लोगों को पीटा जा रहा था लाठियों से, जब अपनी आवाज को अपने समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने बहुत अहम मुद्दा जो उसको उठाने का काम किया। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरे तरीके से जो धांधली हो रहा है, इस सरकार में जो घोटाला हो रही है,
इसको किस तरीके से रोका जाए, इस पर किस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगे, और जो अधिकार है छात्रों का वो मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग अधिकारों के लिए इस संगठन का निर्माण करने का काम किए और इसको पूरा धीरे धीरे जो थाना स्तर पे भी हम लोग का ये जो संगठन है काम करने का काम करेगा, और जो भी इससे रिलेटेड जो मसला होगा उसको इसमें अध्यक्ष बनाया गया प्रशांत प्रताप को, उपाध्यक्ष बनाया गया है आर्यन राज को, महासचिव बनाया गया है पीयूष कुमार को, सचिव बनाया गया है चंदन कुमार को, संगठन प्रभारी और प्रवक्ता पटना विश्वविद्यालय सौरभ सुमन को, और पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में रंजन जी को बनाया गया है, और महिला प्रकोष्ठ से बुसरा सुरानी जी को बनाया गया है। तो ये जो जिम्मेवारी हमारे नौजवानों को और महिलाओं को जो मिली है, इसको बड़े तन मन के साथ और इस पर समय समय पर आप लोगों को बुला करके हम बैठक अलग से आप लोगों के संगठन काम करने का भी काम करेंगे। प्रत्येक महीना के रविवार को इसका बैठक बुलाया जाएगा, प्रत्येक महीना के रविवार, और इसको पूरे तरीके से आप लोगों को वार्ड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, हर एक जगह इसको पूरे तरीके से गांव-गांव में, हर एक कस्बों में, पूरे बिहार के तमाम जिलों में इसका अध्यक्ष भी बनाया जाएगा और वहां पे इसको संचालन किया जाएगा, पूरे तरीके से इसको फैलाने का काम किया जाएगा। और पंचायत चुनाव भी जो चल रहा है उसमें भी पूरे तरीके से छात्र नौजवान की भागीदारी होनी चाहिए, पूरे तरीके से चुनाव लड़ने के लिए भी सहयोग किया जाएगा, मदद किया जाएगा हर एक तरीके से। ये छात्र जनशक्ति परिषद पूरे समाज में, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी, जेएनयू से भी जुड़े हैं लोग, और बनारस तमाम जगह से, अलग अलग स्टेट में इसको धीरे धीरे फैलाने का, झारखंड से भी जुड़े हैं, महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं, इसको धीरे धीरे हम जो अधिकार के लिए जो हमारा नौजवान रात दिन संघर्ष कर रहा है उसको न्याय नहीं मिल रहा, उसके न्याय के लिए, उसके अधिकारों के लिए हम लड़ने का काम करेंगे। इसलिए एक प्लेटफॉर्म होना आप लोगों के लिए आवश्यक था। जिस तरीके से हमारे भाई को पता नहीं था, इन्होंने बोला कि संगठन बनाने से क्या होगा, संगठन बनाने से सबसे कुछ नहीं होता, क्योंकि संगठन अगर नहीं बनाइएगा तो आपका पहचान भी कोई नहीं जानेगा। इसलिए मेरे भाई, संगठन बनाना अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। इसलिए संगठन नहीं रहेगा, आज राष्ट्रीय जनता दल नहीं रहता तो तेज तेजस्वी लालू यादव को कोई नहीं पूछता, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल है तो लोगों को पूछा जा रहा है, और इसलिए संगठन का निर्माण किया गया। इसलिए यह शब्द मत बोलिएगा कि संगठन बनाने से कुछ लाभ नहीं होता, इसलिए संगठन बनाने से ही लाभ होता है और संघर्ष करने का लाभ प्रदान मिलता है। जब पूरी जनता और पूरे समाज के लोग जब जानते हैं तो किस दल से, अरे भाई वो तो राष्ट्रीय जनता दल से है, अरे भाई वो तो छात्र जनशक्ति से है। तो ये है हमारा, जब आपस में हम जब एक ताकत जब मिलेंगे भारतवर्ष के जितने नौजवान हैं, तो ये जनशक्ति के रूप में उभर करके सामने आने का काम करेगा और अत्याचारियों के ऊपर एक पूरे तरीके से हम लोग मिसाल की तरह इस संगठन को हम लोग फैलाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है छात्र नौजवानों के साथ, इसमें पहला जो हमारा मुद्दा होना चाहिए शिक्षा होना चाहिए पूरे तरीके से, कि जिस तरीके से बिहार की शिक्षा को घोटाला में तब्दील करने का काम किया है
और इसमें पूरे तरीके से आप देख लीजिए, हमारे जो पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो थे, उन्होंने चरवाहा विद्यालय देने का काम किया था कि गांव में जो चरवाहे हैं, जो गाय भैंस बकरी जो चढ़ाने वाले हैं, वो भी पढ़ना लिखना सीखे। तो वो कॉन्सेप्ट बिहार सरकार ने खत्म करने का काम किया। जितना भी योजना रैन बसेरा था बिहार में, आप देख लीजिए, जहां रिक्शा ठेला चालकों के लिए, मजदूरों के लिए जो रैन बसेरा था, उसको भी अतिक्रमण में खत्म करने का काम किया है। समाज सामुदायिक भवन जो हमने जब वहां बस्ती में जब हम गए वहां उस दिन, तो वहां पे हमने देखा कि मेडिकल का भी जो स्वास्थ्य जो बना हुआ उपकेंद्र जो है, उस स्वास्थ्य उपकेंद्र वो उसी समय बना हुआ था, लेकिन अभी तक चल रहा है। लेकिन उस समय उस भी स्थिति जो है, स्थिति एकदम दयनीय स्थिति बनी हुई है, उसमें कोई डॉक्टर फॉक्टर कुछ कोई नहीं रहता। तो बिहार में कई कैसी मुद्दाएं हैं जिसको हम लोग संघर्ष में उसको लाने का, हम लोग अपने उसको मंच के माध्यम से जो हमने छात्र जनशक्ति जो परिषद जो हमने बनाने का काम किया, इस पर हम लोग डिबेट में भी और इसको हम लोग उठाने का काम करेंगे। और चैनल में भी जब जब डिबेट होगा तो मीडिया के भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनको हम लोगों ने प्रवक्ता के रूप में बबलू सम्राट जी को भी जो हमने बनाने का काम किया, इस समय समय पर आपको चैनलों के माध्यम से भी वहां जाके डिबेट में शामिल होने का काम करेंगे। तो यही चंद शब्दों के साथ एक बार छात्र जनशक्ति परिषद को लेकर के हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल का एक पार्ट है, इसको हमने बैकबोन जो बनाने का काम किया है। इंसान को आप देखिएगा कि कोई भी पोस्टर को खड़ा करने के लिए नीचे से पाइप लगाना पड़ता है, तो यह हम लोग पाइप का और नींव का मजबूती देने का हम लोग काम करेंगे।